जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश, सोशल साइंस, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम इन माय क्लास। डियर स्टूडेंट, इज वी एवरीवन लिव इन गुजरात, वी नीड टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुजरात, वेयर इट इज लोकेटेड। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट गुजरात लोकेशन, बाउंड्री एंड फिजियोग्राफी। वेयर इज द गुजरात लोकेटेड, व्हाट्स इट्स बाउंड्री एयर फिजियोग्राफी। तो स्पेशली इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, तो गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 20.6 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 24.42 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट टू 74.28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, द एक्सपांशन ऑफ गुजरात इज फ्रॉम विच टू विच। तो फर्स्ट, गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी कोस्ट, ऑन द अरेबियन सी कोस्ट। गुजरात जो भी स्थित है वो कहाँ पर है, तो अरेबियन सी के नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड, अरेबियन कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के वेस्ट पार्ट में है। तो ऑन द अरेबियन सी के ऊपर, और अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। तो इज इट क्लियर, पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि गुजरात की लोकेशन क्या है। तो ये देखिए, अरेबियन सी के अपर पार्ट में, ओके। अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो ये हमारा अरेबियन सी के, ये जो अरेबियन सी है इसके अपर पार्ट में और इंडिया के वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट अगर हम कहें तो और उचित रहेगा। तो ये जो अरेबियन सी है, इस अरेबियन सी के कौन से पार्ट में है, ऑन पार्ट उसके ऊपर है, और इंडिया के साउथ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हम लोग कह सकते हैं, इस वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो एक बार वापस से ध्यान रखना कि गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन अरेबियन सी कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब यहां बात आती है आपकी बिटवीन 20.6 डिग्री नॉर्थ एंड 24.42 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड। अब ये जो आपने, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसके ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो अर्थ का जो शेप है, ये जो कुछ इमेजनरी लाइन है 0 डिग्री, है ना, इंडिया गुजरात का जो लोकेशन यहाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स हैं अगर उनकी बात करें, तो इंडिया जो कहाँ पे है गुजरात, ये यहाँ डिग्री बराबर से आप ध्यान रखें, 20.6
डिग्री नॉर्थ एंड 24.42 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68.10 डिग्री, ठीक है, 68.10 डिग्री ईस्ट टू 74.28 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट के एक्सपांशन की बात करें डिग्री के बेसिस के ऊपर, है ना, यहाँ से यहाँ की पोजीशन इधर से इधर की, तो लगभग हमारा ये गुजरात जो राज्य है इंडिया यहाँ इस पार्ट के अंदर आता है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ यहाँ पे 68 डिग्री से 74.28 डिग्री। तो ये हमारा गुजरात राज्य का कितनी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो 20.6 डिग्री नॉर्थ टू 24.42 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 0.9 इंच ईस्ट टू 74.28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। गुजरात की बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे अब हम, तो यह गुजरात की जो बाउंड्रीज है देयर आर टू टाइप्स, दो भागों में लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री। लैंड बाउंड्री जो लैंड के पार्ट में कौन कौन से स्टेट से कौन से कंट्री से मिला हुआ है जो लैंड से लिंक है, और कोस्ट में यहाँ पे हमने जैसा भी डिस्कस किया था यहाँ पे अरेबियन सी है। तो बाउंड्री द लैंड बाउंड्री ऑफ गुजरात टचेज कौन कौन से स्टेट को टच करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दमन। तो वापस से ध्यान रखना कौन कौन सी स्टेट, तो मैं देखो तीन बड़े मेजर स्टेट्स जो हैं मध्य प्रदेश से लीन कनेक्टेड है, राजस्थान से है इसकी बाउंड्री टच करती है और महाराष्ट्र से। फिर इसके बाद में अगर कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाकिस्तान सिचुएटेड और ये गुजरात से सटा हुआ है। अगर हम यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली, ओके, ये जो हमारा है बॉर्डर बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच मध्य स्थित है बाउंड्री पे। दमन दूसरा जो हमारा है दमन है वो है सौराष्ट्र, साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र, साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र में स्थित है। तो माय डियर स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर दो तरह के बाउंड्रीज हैं। तो पहली जो हमने अभी पढ़ी है लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री ऑफ गुजरात टचेज मध्य प्रदेश इन ईस्ट, मध्य प्रदेश इन ईस्ट, राजस्थान नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, महाराष्ट्र इन साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी नेबरिंग गुजरात के नेबरिंग स्टेट्स कहे जा सकते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड नेबरिंग स्टेट। फिर पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री जो हमारा है पाकिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट, गुजरात के नॉर्थ वेस्ट के अंदर टच करता है, पाकिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट एंड द यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। उसी प्रकार से दीव जो है साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र एंड दमन नियर वलसाड, दीव और दमन की बात आती है तो दीव जो है वो साउथर्न बाउंड्री के अंदर है दीव, ठीक है, दीव एंड दमन की बात आती है तो साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र के अंदर आपका जो सिचुएटेड है वो
एंड दमन नियर वलसाड, और दमन जो है वो आपका नियर वलसाड, ठीक है। तो दीव की जो पोजीशन और दमन की जो है नियर वलसाड, ये वलसाड के अंदर। तो इस तरह से ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, पहली बाउंड्री हमने जो पढ़ी है वो लैंड बाउंड्री की पढ़ी है। मैं वापस से यहाँ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, गुजरात के ईस्ट पार्ट के अंदर मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमाएं लगती हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के अंदर राजस्थान से, महाराष्ट्र के अंदर साउथ और साउथर्न ईस्ट की बाउंड्री टच होती है। फिर पाकिस्तान की बात आती है तो वो हमारे पड़ोसी राज्य जो है देश है वो नॉर्थ वेस्ट, गुजरात की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से टच करती है। अब यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली जो बाउंड्रीज है बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर आता है दमन एंड दीव एंड दमन की बात, तो ये हमारा साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र के अंदर है और दमन जो है वो वलसाड के पास में है। अगर पहले आपको कोई तो अगेन वापस यहाँ दादरा नगर हवेली, ये दोनों हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। दीज ऑल आर अवर दो आर यूनियन टेरिटरी, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। इनका ध्यान रखना, ये कहाँ है, इनका बॉर्डर कहाँ से मिलता है, कौन से कंट्री से, ठीक है, कौन से कंट्रीज से हम राज्य गुजरात राज्य की सीमाएं मिलती हैं, कौन से स्टेट से मिलती हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने दूसरी जो बाउंड्रीज है हमारी है सी बाउंड्रीज। ओके, सी बाउंड्रीज है ना, इंडिया के अंदर अगर हम लोग सबसे देखें तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात का है। तो द अरेबियन सी फॉर्म्स द सी बाउंड्री इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर सी बाउंड्री जो क्या करती है, अरेबियन सी है जो कोस्ट करती है। द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर इसकी हमारी कोस्ट लाइन है। अगर हम समुद्री सीमा की बात करें तो कम से कम कितनी है, 1600 किलोमीटर, और गल्फ ऑफ खंबात से लगा करके गल्फ ऑफ कच्छ तक, दो कच्छ हैं, गल्फ हैं। ओके, देयर आर टू गल्फ, पहला है आपका गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो जिसकी जो विच इज लॉन्गेस्ट अमंग स्टेट ऑफ इंडिया, सभी स्टेट में से ये सबसे लंबी है। सच लॉन्ग बाउंड्री ऑफ गुजरात इज बिकॉज ऑफ गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ये दोनों की वजह से यहाँ इसकी जो बाउंड्री है काफ़ी लंबी है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ की वजह से। तो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, वापस से मैं आपको एक बार और दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सी बाउंड्री है वो कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है, तो अरेबियन सी। तो गुजरात के हमने जो भी लोकेशन के बारे में पढ़ा होता, अभी आपने कहाँ लोकेट है, तो यहाँ जो आपकी बात बताई कि वो कहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ पार्ट में है, मतलब ऑन साइड है ना, उसके ऊपर की ओर अरेबियन सी है। और कितना किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, कहां से कहां तक, गल्फ ऑफ खंबात टू गल्फ ऑफ कच्छ इट इज। तो नाउ अगेन द अरेबियन सी फॉर्म्स द सी बाउंड्री इन वेस्ट, बात समझ में आ गई कि अरेबियन सी है वो बाउंड्री, सी बाउंड्री का निर्माण करता है। द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज, गुजरात की कोस्ट लाइन है अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लॉन्ग, 1600 किलोमीटर लंबी है, विच इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत देश की सबसे सभी स्टेटों में जहाँ कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। सच लॉन्ग सी बाउंड्री गुजरात इज बिकम द, किसकी वजह से बनी हुई है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ। तो इस तरह से हमने दोनों बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, द टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज इन गुजरात, लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री। फिर आता है एरिया की बात। ओके, तो एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल जितना एरिया उसका 6% इंडिया के पास,
सेवंथ रैंक आता है इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। अगर ज्योग्राफिकल एरिया की साइज से देखें तो ये सेवंथ रैंक आता है, और पॉपुलेशन की टर्म पे देखें तो दे आर आर टेंथ रैंक इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। 6 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग। उसकी नॉर्थ टू साउथ की जो लेंथ है 540 किलोमीटर, टू ईस्ट से वेस्ट की है विड्थ जो है वो 500 किलोमीटर। तो ये सामान्य रूप से बात थी। तो देखो एरिया, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। गुजरात रैंक 7 एंड गुजरात रैंक 10th इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ गुजरात वॉज लिटल मोर देन 6 करोड़ इन इंडेक्स, अकॉर्डिंग द इंडेक्स ऑफ 2011। द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ गुजरात इज 590 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट विड्थ इज 500 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको वापस एक बार और हम बताना चाहेंगे कि जो गुजरात का टोटल एरिया ऑफ गुजरात 1,96,224 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जो भारत के 6% भाग को कवर करता है। इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया गुजरात रैंक्स, गुजरात की रैंक है वो है उसके 7th रैंक। किसके टर्म में ध्यान रखना, टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इसके बाद में नेक्स्ट में है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ 10th रैंक आता है गुजरात का। देयर इज अ 10th रैंक ऑफ गुजरात इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। 6 करोड़ पॉपुलेशन 2001 के अकॉर्डिंग गुजरात के अंदर है, और नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 540 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की जो विड्थ है वो है 500 किलोमीटर। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा वी हैव डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ गुजरात। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान रखना कि गुजरात का एरिया 1,96,024 किलोमीटर, 6% क्या है यहाँ पे दिख रहा है, जो 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया का, टोटल एरिया का 6% भाग है। 7th रैंक आता है इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, 10th रैंक इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, 6 करोड़ पॉपुलेशन है 2000 अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद नॉर्थ टू साउथ की जो लेंथ है वो 540 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की जो विड्थ कही गई है वो 500 किलोमीटर है। तो एक बार से वापस ध्यान देना यहाँ कि गुजरात की जो सिचुएशन है वो अरेबियन सी के पार्ट में है, ऑन पार्ट ऑफ द सी कोस्ट, वेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर बिटवीन 20 डिग्री से लगा करके 24 डिग्री मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड पॉइंट को अभी ध्यान रखें, 20.6 डिग्री नॉर्थ एंड 24.42 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर स्थित है। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस के ऊपर देखें तो 68.10 डिग्री ईस्ट एंड 74.28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरह लॉन्गिट्यूड्स के अंदर ये सिचुएटेड है। अब नाउ नेक्स्ट में अगर हम लोग वापस एक बार बाउंड्री की ओर डिस्कस कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री, वापस से ध्यान रखना कौन कौन से स्टूडेंट, लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री। लैंड बाउंड्री में 3 स्टेट्स से मिलता है, महा मध्य प्रदेश, ईस्ट में राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, महाराष्ट्र जो है हमारा साउथ के अंदर है गुजरात के, एंड साउथ कुछ पाक है जो साउथ ईस्ट की ओर मिलता है। एक कप पड़ोसी कंट्री एक ही है जिसकी बाउंड्री हमारे पाकिस्तान से मिलती है, वो इस कंट्री स्टेट है, वो वैसे दूसरे अदर स्टेट्स भी मिलते हैं अगर पाकिस्तान से कनेक्ट होता है, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से होता है। यहाँ दो ध्यान रखने की बात है, वो यूनियन टेरिटरीज की बात है, उसमें दादरा नगर हवेली का जो बॉर्डर है बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात के बीच की बाउंड्री। दीव दमन के अंदर की बात करें तो साउथर्न दीव बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र, और ये जो दमन की बात आती है वो वलसाड के पास में स्थित है। और इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, बराबर से ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। जय श्री स्वामी नारायण।